पेंसिल्वेनिया में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की 155 एमएम की आर्टिलरी शेल्स का जायजा ले रहे थे, यूक्रेन में सीरियल धमाके हो रहे थे। यूक्रेन का मिलिट्री एयरबेस ज़ेपोरिज़िया, खेरसों, खार्की, डोनेस्क। Ночью спала, раздался грохот. Я встала. Вікна вилетіли, щось пролетіло мимо меня. Я думала, що це снаряд. Мене струсило. Диму повна хата. Все це уляглося, тоді я встала, балакати не можу. І б'ють по цивільній. यूक्रेन की आग में रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा है। देश का हर दूसरा शहर रूस के हमले से तबाह हो रहा है। और इस बीच खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। इस मुलाकात की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। एक महीने के भीतर दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ फोटो शेयर करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की अपनी यात्रा के परिणामों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। पिछले तीन महीने में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की यह तीसरी मुलाकात है। ताजा मुलाकात में पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच करीब 45 मिनट की बातचीत हुई। 76 दिनों में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग के तीन बड़े किरदार देश रूस, यूक्रेन और अमेरिका का दौरा किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने तीनों देशों के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। 8 जुलाई को पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिले, 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से, 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। भारत युद्ध का ना तो समर्थन करता है ना विरोध। भारत के इस न्यूट्रल रवैये की आलोचना भी हुई, लेकिन अब भारत खुद को पीस मेकर के तौर पर स्थापित करने में काफी हद तक कामयाब होता दिख रहा है। यूक्रेन के दौरे के वक्त भी पीएम मोदी ने जो बयान दिया था उसे एक बार फिर से समझने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत न्यूट्रल कभी नहीं रहा, भारत शांति का पक्षधर है। भारत की पीस मेकर की भूमिका को गौर से देखा जाए तो दोनों देश रूस और यूक्रेन बहुत सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, और बाइडेन ने भी पीएम मोदी के रूस यूक्रेन दौरे की तारीफ की है। भविष्य में इन प्रयासों का नतीजा बेहतर निकलने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसके पहले ज़ेलेंस्की को जिद पर अड़े नहीं रहना चाहिए, ना पुतिन को हमले पर हमले कर यूक्रेन के आम नागरिकों को मौत के घाट उतारना चाहिए। ज़ेलेंस्की शांति चाहते हैं, लेकिन नेटो में शामिल होने के अपने प्लान पर खुलकर बोलने से इनकार करते हैं। ये नेटो में यूक्रेन के शामिल होने की ज़ेलेंस्की की जिद का ही नतीजा है कि लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन 2.5 साल में हर रोज हमले और तेज होते जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वार्ता टेबल पर बैठकर शांतिपूर्ण समाधान निकालने की जितनी जिम्मेदारी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की है, उतनी ही जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की की भी है। लेकिन ज़ेलेंस्की एक तरफ शांति का रट लगाते हैं और दूसरी ओर लड़ाई में गोला बारूद की सप्लाई बाधित ना हो इसके लिए अमेरिका भी पहुंच जाते हैं हथियारों का जायजा लेने। Thank you.
you said that 400 people work here, but I wanted very much to come here and to thank you. 400 people saved millions of Ukrainians. Because of the result of your work, I'm very thankful, just from ordinary Ukrainians to you. And what can I say? Thank you so much. You helped us to survive against Putin invasion. यूक्रेन को जंग के लिए हथियार चाहिए और ये हथियार उसे अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के सदस्य देश सप्लाई करते हैं। हथियार सप्लाई के कारण ही ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने अब तक टिके हुए हैं। जून 2024 तक की एक बहुत अहम रिपोर्ट आपको दिखाती है कि ज़ेलेंस्की को किस देश ने कितने का हथियार दिया है। आगे सुनाएंगे ज़ेलेंस्की वाली वो बात कि उनकी जीत की योजना वाला अमेरिकी चैप्टर क्या है। अमेरिका से करीब $57 बिलियन का हथियार, जर्मनी से $11 बिलियन का हथियार, ब्रिटेन से करीब $10 बिलियन, डेनमार्क से करीब $7 बिलियन, नीदरलैंड से करीब $5 बिलियन, स्वीडन से करीब $4 बिलियन, फ्रांस से करीब $3.5 बिलियन।